ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, मैं सागर कुमार मिश्रा, कैंपस कोचिंग के डायरेक्टर। भाइयों, बहनों, दोस्तों, आप लोग के बीच बहुत ही प्यार और स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है। आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो मैथ प्रोफेसर चैनल को लाइक सब्सक्राइब देना, आशीर्वाद देना अपना ना भूलें। चलिए आज सीधा बात करते हैं द। दोस्तों, ये द तीन अक्षर का है, लेकिन बहुत ही खतरनाक होता है। ये बहुत ही खतरनाक वर्ड है। कहीं कहीं इसको लोग द पढ़ते हैं, कहीं कहीं लोग इसको दी पढ़ते हैं, आधे से ज़्यादा लोग इसको क्या पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं। आज इसका कॉन्सेप्ट आपको मैं हमेशा हमेशा के लिए क्लियर कर दूंगा कि द कहाँ पढ़ा जाएगा और दी कहाँ पढ़ा जाएगा। द के बारे में ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आप पूरे पूरे किसी से भी पूछ सकते हैं द कहाँ लगता है। एक द की हिंदी होती है वो, द मतलब वो होता है, और इसकी इंग्लिश दैट होती है, लेकिन हम द के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, द अगर आपका द वावेल VOWEL वावेल्स के पहले आए तो इसको दी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? दी। अगर ये कॉन्सोनेंट यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए, कॉन्सोनेंट के पहले आए तो हम द पढ़ते हैं। चलिए, अब आपको पता नहीं वावेल कौन होता है, कॉन्सोनेंट हमारा वावेल पांच होता है, AEIOU, ये हमारे पांच वावेल होते हैं। अगर इनके पहले द लगा है तो इसको दी पढ़ते हैं, और कॉन्सोनेंट के पहले लगा है तो हम द पढ़ते हैं। चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। जैसे देखिए, द आंट, ए आ गया ना आपका, यहाँ पर पढ़ेंगे दी आंट। ई आ गया एलिफेंट, इसके पहले अगर द आए तो उसको दी पढ़ते हैं, दी एलिफेंट, दी एप्पल, दी ऑरेंज। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए, द रॉक, द कॉल, द मैसेज, ये क्या है आपका? ये आपका कॉन्सोनेंट है, सी कॉन्सोनेंट है, एम कॉन्सोनेंट है, रॉक कॉन्सोनेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, आपको हंडार में लिखा होता है दोस्तों कि द और दी कहाँ पढ़ते हैं। देखिए, पहाड़ों के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले, धर्मों के नाम से पहले, धर्म ग्रंथों के नाम से पहले, विकसित देशों के नाम से पहले, दिशाओं के नाम से पहले, महान व्यक्तियों के नाम से पहले, देशभक्तों के नाम के पहले हम लगाते हैं क्या? दी। द ताजमहल, द महात्मा गांधी। अब देखिए, पहाड़ों के नाम से जैसे हिमालय हो गया, और नदियों के नाम से गंगा जमुना सरस्वती हो गई, धर्म हमारा हो गया हिंदू, कई धर्म नाम नहीं लेंगे, धर्म ग्रंथों हो गया महाभारत, महाकाव्य, वेद पुराण, तुलसीदास जी का रामायण, विकसित देशों जैसे, विकसित देशों मतलब जैसे अमेरिका हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, ये ऑलरेडी विकसित देश हैं। भारत क्या है? विकासशील है, जल्द ही विकसित हो जाएगा दोस्तों, आशीर्वाद रहेगा। दिशाओं के नाम से पहले, महान व्यक्तियों के नाम से पहले, देशभक्तों के नाम से पहले, दी ताजमहल, दी महात्मा गांधी, आई लिव इन द हिंदी अमेरिका, मैं अमेरिका में रहता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर दी मूवी, दी मोबाइल, द डॉक्टर, द टीचर, द फादर, द गर्ल, ये आपका हो गया द का पूरा फुल यूज। अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिए, प्यार बनाए रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।